रेवाड़ी शहर में महिला ने बेटा और बेटी के साथ सुसाइड कर लिया। तीनों ने बीती शाम को जहर खाया था। महिला और उसकी बेटी ने रेवाड़ी तो बेटे ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि तीनों ने जहरीला पदार्थ किस कारण से निगला। मंगलवार को मृतक माँ बेटी के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। महिला के पति ने करीब 3 महीने पहले फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घर में अब अकेली महिला की बुजुर्ग सास ही बची थी। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के नारनोल रोड स्थित राव तुलाराम विहार निवासी अनिल कुमारी ने सोमवार शाम अपने 12 साल के बेटे ऋषभ और 18 साल की बेटी स्वीटी के साथ घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक घटना के वक्त अनिल कुमारी की सास बाजार में कोई सामान लेने गई थी। जब बुजुर्ग महिला घर पहुंची तो तीनों उल्टियां कर रहे थे। इस दौरान लड़की ने कहा, दादी हमने जहर खा लिया है। इसके बाद आसपास के लोगों ने तीनों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराते हुए पुलिस को सूचना दी। सूत्रों के अनुसार निजी अस्पताल से तीनों को तुरंत रेफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने अनिल कुमारी व उसकी बेटी स्वीटी को मृत घोषित कर दिया। बेटे की हालत गंभीर होने के कारण गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में देर रात बेटे ने भी दम तोड़ दिया। सुसाइड परिवार के मुताबिक अनिल कुमारी के पति अमित ने 6 जनवरी को घर में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अमित मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड होने के बाद गुरुग्राम में जॉब करता था। अमित की मौत के बाद से ही पूरा परिवार टूट चुका था। हालांकि अमित के सुसाइड करने के पीछे के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर तीनों की आत्महत्या की वजह क्या रही और क्यों इन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि मीडिया के कैमरे पर पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर दिया है। मेरा नाम आजाद सिंह है। कैसे क्या हुआ ये आज जो हुआ जो? ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम तो गांव मायना में रोहतक मायना गांव में रहते हैं जी। अच्छा। और ये यहाँ काफी पहले से बहुत साल से यहाँ रिवाड़ी में ही रहते हैं। अच्छा। वो छोटे भाई की और जो है यहाँ सरंज करती थी, भांडोर नर्स थी यहाँ पे, उसने यही जमीन पहले भांडोर रहती थी किराए पे, उसके बाद यही जमीन लेके मकान बना लिया है और यही रहते थे। ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता। बताते कि 3 महीने पहले अमित ने भी सुसाइड कर लिया था। हाँ जी, 2 महीने पहले 6 जनवरी को। अच्छा। उसने सुसाइड किया है। अच्छा। 6 जनवरी को। अब इन्होंने कल इन्होंने सुसाइड कर लिया तीनों ने। कौन कौन थे तीनों? ये थी जी अनिल कुमारी। हाँ। वो अमित की वाइफ है। हाँ। और लड़की है अमित की स्वीटी, और लड़का है ऋषभ अमित का। ये तीनों ने सल्फास की गोलियां खा ली है। अच्छा, कैसे क्या पता लगा कि इन्होंने सुसाइड कर लिया? ये तो यहाँ से फ़ोन गया था जी हमारे ये अमित की माँ का। अच्छा। अमित की मम्मी का फ़ोन गया को ले मेरे लड़के के पास। खुशराम मैं तो डेट हो गया तो मेरे लड़के से बात करती थी, उसके पास फ़ोन गया। वो कहीं बाहर गया हुआ था ड्यूटी पे, उसने मुझे बताया, बोला पापा जी ऐसे ऐसे है और ये हो गया है। कृष्णा देवी घर में नहीं थी उस टाइम? उस टाइम देखो ये तो जी वही बता पाएंगे क्योंकि हम यहाँ से। कारण क्या रहा जो इतना बड़ा कदम उठाया गया? ये भी हम नहीं बता सकते जी, डिप्रेशन में थे ये। अच्छा, अच्छा। ये हम ना बता पाएंगे। बाकी ये थी पहले से ही कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये पहले से था जी। लेकिन क्यों गए कब गए ये तो ऊपर वाले को पता है, या फिर जो यहाँ पास में होगा कोई उसको पता है। ठीक। ये डिप्रेशन में थे।